आज हम कैफे में जो मिलता है चीज़ बॉल वो बनाएंगे। एकदम सिंपल तरीका है और सेम बाहर हम कैफे में खाते हैं, होटलों में खाते हैं, वैसा ही सेम बनाएंगे। लुक आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है, खाने में इतना ही बढ़िया है। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरा एंड तक देखना। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू ले लिए है, उसको मैंने बॉईल कर दिया था और उसको छिलके निकाल दिया है मैंने, और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो ये रेडी हो गया है। इसके अंदर हम सारा मसाला करेंगे। तो इसके अंदर मैं लाल शिमला मिर्ची डाल लूँगी, येल्लो शिमला मिर्ची डाल लूँगी और थोड़ा सा हम ब्रोकली डालेंगे। ये इस ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो ऐसे भी बना सकते हो। इसके साथ हम ओरिगानो डालेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आप तीखा आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, वेजिटेबल्स भी आप आपके हिसाब से दे सकते हो। पिज़्ज़ा हब्स है वो मैं डालूँगी ताकि एकदम बढ़िया से टेस्ट आएगा। नमक टेस्ट के हिसाब से हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चीज़ बॉल बना रहे हैं तो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए हमको, तो मैं इसमें चीज़ डाल दूँगी। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कर सकते हो। तो ये मैंने कद्दूकस कर दिया है चीज़ को, अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन में मिक्स करने के लिए ले लिया है, तो वैसे ही हम मिक्स करना है तो थोड़ा बड़ा बर्तन लेके मिक्स कर देंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको मैं एक बाउल में निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक बाउल ले लूँगी, पहले मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूँगी, तो 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। उसके बाद इसको मैं बाउल में निकाल के सारा मिक्स कर दूंगी। तो ये रेडी हो गया है, हमारा एक आलू का मसाला रेडी हो गया है। इसके अंदर हम चीज़ बॉल बनाएंगे तो एकदम टेम्पटिंग लगेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। सारे लोग घर के खुश हो जाएंगे अगर ये बनाओगे तो आप। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, इसको ज़्यादातर हमको मिक्स करना नहीं है, नहीं तो ये चिकना हो जाएगा, तो ये आप फॉलो करना एक बार। उसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ ले लूँगी, तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, 1 कप चीज़ ले लेंगे। उसके साथ हम 1 स्पून ओरिगानो डालेंगे, 1 स्पून हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी इसके बाद हम इसके रोल बनाएंगे। तो यहाँ पे नींबू आकार का गोला लूँगी, तो मैंने पहले थोड़ा ऑयल लगा दिया है हाथ में। उसके बाद हम सेब देंगे, अगर आप कोई सेब देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैंने कैफ़े टाइप में बनाया है तो मैं गोली बनाऊँगी। इसको मैंने गोल कर दिया है पूरी जैसा। उसके बाद हमने जो चीज़ बनाया है वही इसके अंदर हम डालेंगे, तो अगर आपको ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डाल सकते हो, तो बड़ा वाला बनेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे आधी स्पूनी ली है चीज़ का, तो वो ले लेंगे। और उसको अच्छे से प्रेस करके हुए हम पहले करेंगे ताकि ये अच्छे से आलू चिपक जाएगा। तो वैसे ही हम सारा रोल्स बना के रेडी कर देंगे। तो फ्रेंड्स एकदम इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। घर के सारे लोग आपको पूछेंगे आज क्या वैरायटी बनाई है आपने, तो ये ज़रूर से आप एक बार ट्राई करना। तो मैंने रोल बना दिए हैं, वैसे ही मैंने सारा रोल्स बना के रेडी कर दिया है। अभी एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 स्पून हम मैदा डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि एक मैदा की स्टरी बन जाएगी। उसके बाद हम जो वड़ा बनाया है उसके साथ हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है ताज़ा वाला, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो वही हम लेंगे ताकि एकदम क्रिस्पी ऊपर से बनेगा। अभी इसके बॉल्स हम लेंगे, तो मैंने मैदा की स्टरी में बॉल्स डाल दिया है। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स से उसमें डाल के इसका अच्छे से कोटिंग करेंगे, तो वैसे ही हम सारा रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स एकदम क्रिस्पी ऊपर से बनेगा और अंदर से चीज़ खाने में जो बढ़िया लगेगा, तो वैसे ही हम बना के सारे रेडी कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मेरे रोल्स रेडी हो गए हैं। इसको अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हो तो ये आराम से 8 दिन रह सकता है, अदरवाइज़ कोई गैस आता है तो ये आप बना के साइड पर रख सकते हो। तो ये मैंने रेडी कर दिया है, अभी इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, इसके अंदर हम फास्ट फ्लेम ही रखेंगे और सारे बॉल्स डालेंगे। तो पहले मैंने 2 डाल के देखा है ताकि फटेगा नहीं, वो पहले चेक करना है हमको। तो आप देख सकते हो एक भी फटा भी नहीं है और एकदम क्रिस्पी हमारा पकौड़े बन गए हैं चीज़ के बॉल।
वैसे ही मैंने दूसरा भी लोट डाल दिया है, तो ये भी फ्राई होके रेडी हो गया है। तो बच्चे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, हाँ बड़े को भी बहुत अच्छा लगता है, आजकल सबको चटपटा चाहिए, तो ये आप ज़रूर से एक बार बनाना। अभी इसको हम सर्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और इसको हम सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कॉमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ऊपर से मैं चीज़ डाल रही हूँ और टमाटो सॉस जैसे कैफ़े में मिलता है वैसे ही मैं रेडी करके आपको बताऊँगी। तो लुक बहुत अच्छा है और एकदम कोई बोलेगा भी नहीं कि ये मैंने घर पे बनाए हैं। ऐसे ही हम इसका सर्व करने का तरीका बताऊंगी मैं। तो मैंने पहले मेयोनीज़ ले लिया, फिर उसके बाद टमाटर सॉस डाल दिया है, उसके बाद वापस मैं यहाँ पे मेयोनीज़ डालूंगी, तो टेम्पिंग लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना, हाँ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलती रहे। तो लुक वाइज यम्मी टेस्टी ऐसा हमारा चीज़ बॉल रेडी हो गया है। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा चीज़ वाला मसाला निकल रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैं कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो बीच में कितना बढ़िया चीज़ का रोल तैयार हो गया।